60 साल के बाद में उसको 3000 पेंशन देंगे। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी और गरीब आदमी के लिए चालू की है, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे में खाली सरकारी नौकरी लोगों को मिलती थी, इसमें 3000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। 18 साल का 40 साल का व्यक्ति 55 रुपए से 200 रुपए तक अलग अलग उम्र में ये पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तो उसको 60 साल के बाद में 3000 पेंशन मिलेगी। ये ऐतिहासिक काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज मैं ये बताना चाहूंगा, मैं किलो की बात करूंगा, जहां पर देश आजादी आजाद होने के बाद में यहां से खाली ये अपने चौकड़िया 15 किलोमीटर दूर है, उस 15 किलोमीटर दूर का हमें सड़क नहीं थी। हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, इन्होंने 15 किलोमीटर शहर से दूर था वहां सड़क बनाई है, मिशन लिंक के मार्फत वहां गोरखपथ बनवाई है, तो ऐसे कई काम किए। तो वास्तव में आज हमारी सारी योजनाओं का हमारे बीच में एमपी साहब बना रहे हैं, आपका भी स्वागत है भैया से। 5 बॉल लगे या 10 कम्बे लगे या 20 कम्बे लगे, हर घर में लाइट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया, इसके बारे में भी हमको बताना पड़ेगा। अटल पेंशन योजना, हमारे बेटी पढ़ा बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री ने नारा भी दिया, बेटी पढ़ा बेटी बचाओ योजना लागू करके जो हमारे गांव में एक अंधविश्वास था, बच्ची पैदा होती सब तो मुंह चढ़ जाते थे, देश के प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू करके हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने राजश्री योजना चालू की है। और राजश्री योजना में हमारे जिस घर में बेटी पैदा होती है उस बेटी को 55,000 रुपए सरकार ने देने का काम शुरू किया। ऐसी कई सारी योजनाएं, उन योजनाओं को हमारी सरकार ने लागू किया। आज ये कांग्रेस ने वास्तव में ये मैं कहना चाहूंगा कार्यकर्ताओं को कि ये किस खाते में वोट लेने के लिए आ रहे हैं। साल भर में एक भी कांग्रेस में बंदा सब जिला की बात बताना चाहूंगा, एक भी काम में बता रहे हैं कि हमने जिले में एक काम कराया है, तो पैसे लेके ट्रांसफर करना इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। हारे हुए एमएलए, हमारे यहाँ ग्रामीण का हारा हुआ एमएलए आज जाके उद्घाटन कर रहा है, उनको शर्म नहीं आ रही है कि 20,000 वोट से वो हारा हुआ है और किस खाते में जाके उद्घाटन कर रहा है। तो ऐसे जो काले कारनामे में है, मैं यही कहना चाहूंगा इन कांग्रेस को। प्रभाव साहब ने बताया कि किस तरीके से एक साल का जो कांग्रेस का शासन था, क्योंकि ये पंचायत राज से सीधे जुड़े हुए हैं, और इन्होंने अभी बताया कि एक साल में कुछ भी नहीं हुआ और मंत्रियों के पास कोई कमी नहीं। नारे के लिए भारत माता की, भारत माता की, किसानों का कर्जा माफी धोखा है, किसानों का कर्जा माफी धोखा है, पर बैठे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब, फूल जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष रवि जी भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, हमारे पूर्व सभापति आदरणीय युधिष्ठिर जी भाई साहब, हमारे मामली के विधायक आदरणीय धर्मनारायण जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रेम सिंह जी, बहन किरण जी, और सभी लोगों को भत्ता दिया है नहीं दिया है, उसके बाद किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। बेचारे किसान आज भी यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं,
बैंकों में घूम रहे हैं, अरे हमारा कर्ज तो कहाँ गया, हमारा कर्ज हमको कहा था उनकी कर्ज माफ करेंगे, परंतु वास्तव में कर्ज कहाँ माफ हुआ उनका, उनके साथ भी धोखा। महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, परंतु महिला सुरक्षा कहाँ पर है? अभी थोड़े दिन पहले हमने यहाँ देखा था कि 4 वर्ष की बालिका के साथ जघन्य अपराध हुआ है। कांग्रेस तेरा वादा चाहिए, कहना तेरी तना चाहिए, कहना कहने माल तेरी कुंडा गिर दी, कांग्रेस तेरी बाधा खिलाफी, कांग्रेस तेरी बाधा खिलाफी, अरे कांग्रेस तेरी बाधा खिलाफी, लागू करेंगे तो काश्तकार
मोदी जी के पक्ष में हो जाएंगे और उस योजना को भी रोक दिया। भारत माता की, भारत माता की। आज कांग्रेस की नींद खोलने के लिए अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो साल भर में सोई हुई है और हमारे आम जनता के साथ में पुतारा किया है। मैं दो बात करूंगा, ये मंच का कॉर्नर से इधर वाले अलग बोलेंगे, वो अलग बोलेंगे। पहले मैं इनसे जब बुलवाऊंगा आपको नहीं, भारत माता की। आप नहीं बोल रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आपके लिए बोला मैंने, भारत माता की। अब ये उधर वाले बोलेंगे, मैं भारत माता की, भारत माता की। दोनों बराबर निकले, एक बार जोरदार सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे एक साल का जो कांग्रेस सरकार ने झूठा वादा करके जो कुर्सियां हासिल की थी उसका काला दिन आज दिख रहा है। कल वो 17 तारीख को एक साल होने वाला है और वो खुशियां मनाने की और जो मतलब एक विकास का कोई नारा देकर इन्होंने एक साल का बड़ा दिन मनाना चाह रहे हैं। उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष कुमार त्रिपाठी साहब के नेतृत्व में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो हमारा यह अनशन का जो व्रत का जो निर्णय लिया कि आज भूखे रहकर आज कांग्रेस सरकार को जगाना चाहते हैं कि पदाधिकारी के और सभी मंडल के अध्यक्ष जनप्रतिनिधिगण सभी को मोर्चा प्रकोष्ठ महिला मोर्चा युवा मोर्चा सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सर्दी में समय पर आकर आपने जो ये कांग्रेस की नींद खुलाने का जो आपने निर्णय लिया वास्तव में आज समय तो मैं 1 बजे हमारे को जाना है, भुलार जी भाई साहब को बोलना है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साल पहले पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने जो काम किया उसका मैं बखान क्या करूँ। हमारे पूर्व में जो वक्ता प्रधान साहब ने बताया सभी वक्ताओं ने बताया और हमारे जो वास्तव में जो काम चल रहा था भुलार जी भाई साहब के नेतृत्व में जो हमारा इतना काम चल रहा था उन काम को सबको ठप कर दिया, चाहे मिशन लिंक हो रोड हो चाहे हमारा गोरखपथ हो किसी भी तरह का रोड का काम सारा बंद कर दिया। ये तो दूर रही जो बरसों से करोड़ों रुपए हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट से आता था उसको भी नहीं देते थे। मैं गुलाब जी भाई साहब का धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से जो हमारे जो माइनिंग का पैसा जो पड़ा हुआ था उसको आपने विकास के रूप में जो दिया उसका वास्तव में जो हमने काम शुरू किया था उसको भी इन्होंने रोक दिया। कानपुर और खरबड़िया के बीच में जो पुलिया थी जिसका काम 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने चालू किया था उस काम को बंद कर दिया। आज किसान परेशान हो रहे हैं और 7-8 दिन पहले उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और अंदर बैठकर कानून वानून कुर करके चले गए। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर मीडिया कर्मी भाई सुन रहे हो तो आप भी जाकर देख लो आज अलसीगढ़ का तालाब खाली हो गया है उसका दरवाजा लगाने के लिए मैंने साल भर पहले जब हमारे हमारी विधानसभा की जो बैठक हुई थी हमारा जो मतलब विधानसभा चल रही थी तब मैंने क्वेश्चन लगाया था कि हमारा नंदेश्वर का गेट और अलसीगढ़ का गेट लगाया जाए मगर उसको 8 दिन तक नहीं लगाया और पानी नहर की तरह आ रहा है वो पानी नदी के अंदर आज भी बह रहा है। वक्ताओं ने बताया कि गुलाब जी भाई साहब ने पंचायत राज के अंदर शिक्षा को लागू किया था और आज इन्होंने उसको खत्म करके हमारी आम जनता के साथ में धोखा किया। आज धोखा ही नहीं किया आज वास्तव में सारा का सारा पैसा ऑनलाइन आ रहा है। कोई भी अगर हिसाब देगा तो ऑनलाइन में देगा, सरपंच अगर बना पड़ा है तो वास्तव में वो क्या देखेगा क्या
क्या विकास कराएगा, वो सचिव और इनके राजनेता के जो ये अधिकारी गण है उनके। किसानों का कर्जा माफी धोखा है, किसानों का कर्जा माफी धोखा है, किसानों का कर्जा माफी धोखा है, किसानों का कर्जा माफी धोखा है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजे हुए राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमाली जी, हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, मंच पर विराजे हुए आदरणीय महापौर साहब, आदरणीय उप महापौर साहब, हमारे पूर्व महापौर साहब, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित पार्षदगण, सभी पदाधिकारीगण और सम्मानित भाई और बहनों, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पता नहीं लग रहा है कि सरकार चल भी रही है या नहीं चल रही है। विकास के जितने भी काम पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने काम चल रहे थे, वो सब काम पिछले एक साल से ठप पड़े हुए हैं। आप सब लोगों को विदित है, राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की। इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख तक रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाने वाली यह योजना पूरे देश के सभी राज्यों में इस योजना उस पैसा का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आने वाले 1 जनवरी 2020 के बाद इस योजना को लागू करेंगे। भाई और बहनों, आप सब लोगों को मालूम होगा जो माननीय पूर्ववर्ती सरकार आदरणीय गुलाब जी भाई साहब वसुंधरा राजे की सरकार ने बाबा साहब योजना जो लागू की थी, उस योजना को भी सरकारी हॉस्पिटल के अलावा बाकी अस्पतालों में बंद कर दी गई है। इस वजह से सरकार की नाकामी की वजह से, अशोक गहलोत के नाकामी की वजह से, इस सरकार की कमजोरी की वजह से हमारे देश के किसानों को, हमारे प्रदेश के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला है। मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव के पहले जितने भी लाभार्थी है, उन सब लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलना चाहिए। अगर आने वाले चुनाव के पहले यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, पंचायत राज मंत्री जी ने सभी लाभार्थियों के खाते में शौचालय का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं डाले गए, तो पंचायत समिति लेवल पे हम ज्यादा प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो हाईवे और नेशनल हाईवे को भी ठप करने का काम करेंगे। मेरे मानने से हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे किसान खाद बीज से परेशान हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं, राजा महाराजा उनके युवराज राहुल गांधी के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी हाजिरी भर रहे हैं, लेकिन किसानों की चिंता नहीं है। उन्होंने राज में आने के पहले प्रदेश के युवाओं को उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारों को 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या युवा बेरोजगार भाइयों, आपको बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? नहीं मिला। तो मैं अशोक गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने झूठा वादा करके
हमारे युवाओं को भ्रमित करके आप सरकार में आ गए। अब आप हमारे युवाओं को कब बेरोजगारी भत्ता देंगे? आप बेरोजगारी भत्ता दे नहीं सकते हैं, आप किसानों को सम्मान निधि दे नहीं सकते हैं, आप प्रधानमंत्री आवास माध्यम से आवास दे नहीं सकते हैं। तो आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, आने वाले महीने डेढ़ महीने में पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, सरपंच से लेके पंचायत समिति प्रधान से लेके जिला प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और लाडले आदरणीय कटारिया साहब से निवेदन करता हूँ कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय कटारिया साहब से, कांग्रेस की सरकार बनने के एक साल के एक दिन पहले कल इस सरकार का एक साल का जश्न मनेगा। नाम क्या दिया? जश्न मनेगा। किया क्या है, किसका जश्न मनाओगे ये तो बताओ। जश्न मनाना चाहते हो तो दो चार काम तो गिनाओ भाई, इसका जश्न मनाए, जश्न मनाए या तुम्हारे नाम को लेकर के हम गम मनाए, क्या करें। आज का ये जो हमारा पूरे राजस्थान में जो धरना है वो इस बात के लिए है कि वास्तव में सरकार ने एक साल में कुछ किया है कि नहीं किया है। अच्छा किया होता तो उनके साथ हम भी जश्न मनाते, हमें कोई उनको इतना दुश्मनी नहीं है, पर हम चुनौतीपूर्वक उस सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि ईमानदारी से तुम अपनी बात को बताओ कि तुमने एक साल में इस राजस्थान में क्या क्या काम कर लिया है। आज इस सरकार की असफलता को गिनाने का ये अनशन का कार्यक्रम सारे ही जिला हेडक्वार्टर पर है और कुछ दिन बाद ये सरकार, मैं सरकार को इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि मेरी बात को नोट करके कल तुम्हारा कोई नेता प्रेस में जाकर के मेरे सवालों का जवाब दे, ताकि राजस्थान की जनता ये समझ सके कि वास्तव में जो मैंने कहा है उसमें सच है या नहीं। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि तुमने जब सरकार में आने के लिए, तुम्हारा जो राहुल पप्पू है, इस राहुल पप्पू ने पब्लिक मीटिंग में यह कहा था कि नहीं, ये हिंदी में गिनती आती नहीं आती पर याद की, 1 2 3 4 9 10 कर्जा माफ। सामान्यतः यार कोई भी किसान, आप हो या मैं हो, जो पार्टी के हैं उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जो सामान्य किसान है वो क्या सोचता है कि अगर मान लो सरकार आने से 10 दिन में मेरा कर्जा माफ हो जाता है तो यार एक चांस इनको भी दे दो ना यार, अपना भला ही होगा। हर आदमी ने बड़ी साधारण बात में सोच करके इस सरकार की सवारी में गए। अब 10 दिन हुए या 365 दिन हुए, अभी सरकार से केवल इतना ही जानना चाह रहे हैं कि तुमने 365 दिन निकाल दिए, ये 10 दिन के कर्जे माफ का जिला वाइज एक लिस्ट पब्लिश कर दो कि तुमने इस उदयपुर जिले में इन इन किसानों का इतना इतना पैसा कर्जा माफ किया। कहना तो तुम्हारा यह था कि 10 दिन में सब कर्जा माफ, सब कर्जा माफ का कभी सोचा है आंकड़ा? तुमने कभी नारा लगाने के पहले घर में बैठकर विचार किया है? ऐसे थोते और झूठे नारे लगाकर लोकतंत्र की क्यों हत्या करते हो? जो कर सकते हो वही कहो। राजस्थान में 69 लाख किसान हैं। कितने? 69 लाख किसान। और इस 69 लाख किसान पर राजस्थान में उस समय कर्जा था 99,000 करोड़ रुपया। 99,000 करोड़ रुपया राजस्थान के किसान पर कर्जा माफ की बात कही थी, न तो आंकड़ा देखा न संख्या देखी, घबोटबाजी का काम किया। अगर कोई संख्या कहता कि वास्तव में कर्जा है कितना, हम करेंगे कितना, कोई जरूरी थोड़ी था कि तुम सबका कर्जा माफ करो। काहे को झूठ बोले? जो कर सकते थे वो कहते भाई हम 2,000 करेंगे, 10,000 करेंगे, 50,000 करेंगे, 60 करेंगे। तुम ये बता दो ईमानदारी से कि कुछ दिन पहले सितंबर में ही 18 में हमने राजस्थान के 17 लाख किसानों का 50,000 रुपया प्रति किसान के हिसाब से कर्जा माफ करके उसका सर्टिफिकेट उसके हाथ में दिया था कि नहीं दिया था? 17 लाख किसानों का राजस्थान का
वसुंधरा जी ने अपने राज के सितंबर महीने में एक एक जिले में कैंप लगाकर किसानों को कर्जा माफी का कागज का सर्टिफिकेट पकड़ाया था। अकेले बांसवाड़ा में जो कार्यक्रम हमने करने गए थे, बांसवाड़ा जिले के 1,00,000 किसानों का कर्जा माफी का कागज हमने उस दिन वहां बांटा था। 1,00,000 किसानों का कितना ये बताओ, किसी का 315 रुपया, किसी का 6,000 रुपया, किसी का 11,000 रुपया, क्योंकि बाकी तो कर्जा माफ हो गया था। ये जो कोऑपरेटिव का कर्जा था ये माफ हो चुका था, लेकिन केवल एक नाटक करने के लिए अगर तुम ये कहते कि हम कोऑपरेटिव का बचा हुआ कर्जा सारा ही माफ करेंगे तब भी समझ में आ सकता था। लेकिन जितने भी बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, भूमि विकास बैंक हैं, या जो बाकी बैंक हैं, इनके कर्जे माफ करोगे कि नहीं करोगे? तुमने जनता को अधेड़ में रखा, सब प्रकार के कर्जे। यार कम से कम हिंदी पढ़ा हुआ तू भी है और हम भी हैं, इस वाक्य से जनता क्या समझेगी? सब प्रकार के कर्जे का मतलब बैंकों का कर्जा भी माफ होगा, जहां जहां से भी जिस आर्थिक संस्थाएं जो है जिनसे कर्जा लिया हुआ किसान ने, वो ट्रैक्टर से लेकर के सारे कर्जे माफ होंगे। इसको कहते हैं सब प्रकार के कर्जे माफ, लेकिन इस सरकार ने नहीं किया। अब वो किसान इस बात को महसूस कर रहा है, जब विधानसभा में हमने इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा था हम कुछ कर्जा माफ कर रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैंने कहा 31 जुलाई के दिन केंद्र की सरकार की जो फसल बीमा योजना है, वो 31 जुलाई के दिन अगर आपका पैसा जमा हो गया और आपने वापस कर्जा ले लिया तो ही आपकी फसल का बीमा होगा। 31 जुलाई के बाद तुमने भले ही कर्जा लिया या नहीं लिया, पर तुम्हारी फसल का बीमा नहीं हो सकता। राजस्थान के किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर कोई हुआ तो इस बात का हुआ, क्योंकि ये जो कर्जा माफी का छोटा मोटा नाटक किया, इस छोटे मोटे नाटक के कारण से भी कागज उनको नहीं मिला और वापस उनको रीलोनिंग नहीं हुई। जब तक रीलोनिंग नहीं होती है तब तक इंश्योरेंस नहीं होता है, और इंश्योरेंस नहीं होने से राजस्थान का सारा किसान इस फसल बीमा की योजना से महरूम रह गया, जिसके कारण से अभी जो फसल खराबा हुआ उसके एवज में इंश्योरेंस कंपनी ने 1 फुट्टी पाई राजस्थान के किसान को नहीं दी। ये राजस्थान के किसान के साथ तुमने किया। तुम्हारे दिमाग में है या नहीं है, राजस्थान पहला राज्य है वसुंधरा जी की नेतृत्व में, और मेरे पास आपदा राज था, आपदा राज डिपार्टमेंट का मैं मंत्री था, है ना। हमारे यहाँ जब जैसी सरकार बनी थी उसके 1 साल बाद भयंकर ओलावृष्टि हुई थी और उसके कारण से सारे राजस्थान की फसलें नष्ट हुई थी। हमने विधानसभा चलती हुई को रोकी 2 दिन और सारे एमएलए को भेजा, जाओ फील्ड में अपने अपने एरिए में, जो फसल का जो तुम्हारा नुकसान हो उसका हिसाब किताब बताओ। सरकारी अधिकारियों को भेजा, 15 दिन में सब जगह की रिपोर्ट भेजो, है ना। प्रधानमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री से मिले, गृह मंत्री जिनके पास आपदा राज का डिपार्टमेंट था, राजनाथ सिंह जी से उनसे मिले कि राजस्थान में इतना भयानक खराबा हो गया। आपने ये जो एक राइडर लगा रखा है देश की आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने, कि 50% का जब खराबा होता है अभी तो ही किसान को उसकी फसल का थोड़ा बहुत नुकसान मिलता है। हमने पहली बार राजस्थान में अपनी सरकार केंद्र में थी इसलिए 33% से ऊपर के सारे खराबे को जोड़कर हिंदुस्तान के 15 करोड़ किसानों को एक जिंदगी का देने का काम हमने किया। अब 33% से अलग खराबा भी है तो उसको मिलता है। मैंने अकेले ने इस राजस्थान में राजस्थान के किसानों को, मैं अशोक गहलोत तुझे चुनौती देता हूँ, तेरी जिंदगी जब से इस तेरी पार्टी शुरू हुई है, 52 से तूने राज किया और तेरी पार्टी ने राज किया है, सब सालों का राजस्थान के किसानों को दिया हुआ पैसे की जोड़ कर ले, सब सालों की। अकाल पहले भी पड़े थे और अकाल हमारे टाइम पे ही पड़े थे। तूने 52 से लेकर के जब मैंने इस काम को संभाला, आपने देखा होगा इस सरकार का 14 में हमने काम संभाला, 52 से लेकर 2014 तक तुम्हारी सरकार भी रही, मेरी सरकार भी रही,
हमने जितना किसानों को तुमने राजस्थान में मुआवजा दिया उसकी जोड़ बता दे। और हमने केवल 5 साल में जो हमारी सरकार चली थी उसमें जितना पैसा राजस्थान के किसान को दिया 7,347 करोड़ रुपया राजस्थान के किसान को तुमने जो 7 साल नहीं दिया वो हमने 5 साल में किसान को दिया है। और दिया ही नहीं है, बहुत आश्चर्यजनक इस हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार की भट्टी में इस कांग्रेस ने जलाकर इन दलालों को पैदा करने का काम किया है। यह पहली बार मैंने जब इस रिकॉर्ड को देखा, विभाग का मंत्री था, तो मैंने कहा यार मामला है क्या। मैंने पहली बार कोशिश की कि जो भी पैसा जाएगा किसान के खराबेगा वो किसान के खाते में ही जाएगा, बिना खाते के पैसे नहीं जाएगा। और जब मैंने पैसे खाते में डाले तो आपको सुनकर हैरानियत होगी, इस राजस्थान में लाखों किसान ऐसे निकले जो न तो इस धरती पर है न उनकी खेती है, न किसान है न खेती है, लेकिन दलालों ने झूठे रिकॉर्ड तैयार करके खाते में नाम लिखकर करके हर साल इस खराबे का पैसे का ये जो ऊपर के अधिकारी और सारे मिल करके खाते थे। अकेले जैसलमेर में और बाड़मेर में लाखों किसानों के फर्जी नाम लिखे मिले और इन सारे दलालों को मारने का धंधा कीजिए। इनके रात को जो सपना आ रहा है ना, लूट खाने का धंधा बना रखा था इन्होंने राजनीति को, राजनीति में आकर के इन्होंने बस यही हेरा फेरी का धंधा ही किया इतने सालों तक। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जनधन खाता खुलाकर ये कहा कि तुम सब खाते खोलो खाते खोलो। हमें समझ में नहीं आया था ये क्या खाते खुलने से क्या होगा, लेकिन इस आदमी ने कहा यार सब पैसे खाते में भेजो। जब खाते में पैसे आने शुरू हुए तो वास्तव में न तो फालतू पैसा जाता और सारा का सारा किसान को जाता। पहले चाहे तहसीलदार साहब जाते या कोई भी बांटने जाता, तुम्हारा लड़का जाता या मेरा भाई गया होगा, नोट भर के रात को जब घर से वापस आता था ना तब थैला में नोट भर के लाता था कि नहीं लाता था, बचा खुचा सब रख रहे इधर से बापड़े को आधा दिया आधा खाया, ऐसा ही धंधा चला था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, सब पैसा खाते में जाएगा और लाखों करोड़ रुपया अब गया सीधा उस गरीब आदमी के खाते में जाता है। ये है फर्क कांग्रेस, ये तुम्हें अंतर समझ में आना चाहिए। पहले सरकार का हर पैसा जो है ना लूटखोर बीच में खाकर खत्म कर देते, न किसान को मिलता था न उस गरीब आदमी तक पहुंचता था। इस आदमी ने इसकी व्यवस्था की। आपने आश्चर्य है, कांग्रेस को चुनौती देता हूं, ये हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री मैंने अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है जिस आदमी ने इस भ्रष्टाचार के राक्षस को मारने की कोशिश की है। है ना, अब सरकारें हमारी भी दिल्ली में रही होगी लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा पहला मर्द प्रधानमंत्री बना है जिसने न अपने मंत्री को हिलने दिया न संतरी को हिलने दिया। सारे दलाल जो दिल्ली में घुमा करते थे ना, होटलों में ठहरते थे और दलाली का धंधा करते थे, उन सबको बाहर निकाल करके फेंक दिया था। और ये जो किसान सम्मान निधि क्या है, ये किसान सम्मान निधि इस बात के लिए है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक छोटा हो या बड़ा हो हर किसान को 4 महीने में 2,000 रुपया उसके खाते में अपने आप चला जाएगा बिना मांगे, बिना मांगे केंद्र सरकार का जाएगा। और हिंदुस्तान में किसान है कितना, 15 करोड़ किसान है, कितना 15 करोड़, और 6,000 रुपया हर साल उस किसान के खाते में केंद्र सरकार से जा रहा। राजस्थान की फूटी पाई नहीं है, सारा पैसा केंद्र का है। उस पैसे का मतलब 90,000 करोड़ रुपया हर साल किसान के खाते में डालने का कोई निर्णय ले सकता है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। हिंदुस्तान में नारे बहुत लगे होंगे लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री जो कहता है मैं 2022 तक हिंदुस्तान के हर किसान की आमदनी दुगुनी करके बताऊंगा कि वास्तव में क्या होता है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं वसुंधरा जी को, जिन्होंने किसान की इस पीड़ा को, कारण क्या है आज किसान का, चाहे आप में से जो लोग खेती करते हो अगर राम धर्म से चोपड़ा रखकर खेती करो ना तो खेती धंधा घाटे का धंधा है, मजदूरी का पैसा भी नहीं निकलता है,
खाद बीज और पानी और जितना लगाता है और जितना बिजली खर्च होती है उसको जब फसल के बाजार में बेच के आता है ना उसकी वसूली नहीं होती है। किसान खेत छोड़ रहा है, खेती करना आदमी भूल रहा है, कोई खेती करना नहीं चाहता है। क्या करेगा वहां करके, झक मारेगा ना। पहले अपन एक छोटा सा टुकड़ा भी रखते थे ना तो कोई भी सिजारी मिल जाता था, मैं आधे में खेती कर लूं। 10,000 रुपया 10 हॉर्स पावर तक की जिसकी भी मोटर किसान के लगी हुई है उसको अपने जेब से बिजली का पैसा नहीं देना है। 10,000 से ऊपर जो बिजली का पैसा आएगा वही किसान को देना है ताकि फ्री में खेती पर जो खर्चा किसान की बिजली का होता है उसका पैसा सरकार भरेगी। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उस योजना को भी तोड़ के फेंक दिया। 14वां फाइनेंस वित्त आयोग का नियम बनाकर सीधा का सीधा जो पैसा दिल्ली से आता है वो सीधा सरपंच के खाते में जमा होता है। हर सरपंच के खाते में 30 लाख 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया सीधा का सीधा सरपंच के खाते में जाता था। अब इस साल गया क्या? इस साल नहीं गया। अभी अभी इन्होंने कुछ पैसा वो जो आया था उसमें से पंचायत समितियों में और कुछ जिला परिषद में डाला। अभी कुछ 2 या 5 दिन पहले उसमें से 25% पैसा उन्होंने रिलीज किया। 25% पहला तो पंचायतों को जाम कर दिया। जितनी सड़कों पर आप राम धर्म से, आप सब लोग गांव से आते हो, कहीं से भी आते होंगे या नहीं हो तो शादी में गए होंगे, ब्याह में गए होंगे, कभी घूमने गए होंगे, सड़क पर आपको कहीं कोई काम चलता हुआ देखा है क्या इस एक साल में? जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।